26 जनवरी पिछली बार किसान लोग ट्रैक्टर मार्च लेने गए थे, उन लोगों को लगा था पूरी देश का सहानुभूति खो दिए थे, यहां पर उन लोगों ने क्या कर दिया था, झंडा लगा दिया था। हालांकि लाल किला का मुख्य झंडा यहां रहता है, यहां चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है यहां पर, लेकिन लाल किला में जो भी हुआ बहुत ही शर्मनाक था, देश का झंडा नहीं हटाना चाहिए था। इसलिए सारे लड़कों से कहते हैं हम हाथ जोड़ के कि 26 जनवरी को कुछ मत कीजिएगा, शांति से रहिएगा, वरना प्रशासन आपकी बात को नहीं सुनेगा। देखिए 26 जनवरी को हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी को पूरी विदेशी मीडिया भी भारत को बहुत नजरों से देखती रहती है। इस दिन अगर कोई बड़ा सा प्रोटेस्ट हो जाता है या ट्रेन में कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, छोटी सी भी चीज को पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगी। तो क्या आप चाहेंगे कि 26 जनवरी जिस दिन राष्ट्र का पर्व है उस दिन देश की छवि खराब हो? इसलिए 26 जनवरी को शांति से बनाए रहेंगे। आगे आपका प्रोटेस्ट है, आप इसे शांतिपूर्ण करेंगे, आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। पुलिस हिंसक होगी तो पुलिस हारेगी, आप हिंसक होंगे तो आप हारेंगे, इसलिए इस सब चीजों को ध्यान रखेंगे। और ये आंदोलन धीरे धीरे पटना से चालू हुआ था, लेकिन जैसे आरआरबी के बदला आरआरबी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया ग्रुप डी वालों के मेंस के लिए, तब तक ये पूरे धीरे धीरे पटना से पूरे बिहार में फैल गया। पहले पटना भर सीमित था, अभी सीतामढ़ी हो गया है, इधर में इस साइड में आप देखेंगे तो पूर्णिया किशनगंज ये पूरा फैल गया है, आरा बक्सर पटना क्यूल ये पूरी स्टेशन भर दिया गया। अब 28 लड़का कह रहा है सबकी और भी प्रोटेस्ट होगा, कुछ इलाहाबाद से अब लड़के चालू हो रहे हैं, मुगल सराय से, दिल्ली से, यहाँ ज्यादा जगहों से लड़के जो कर रहे हैं। आपका आंदोलन अगर हिंसा फैलाएंगे, मारधार करेंगे तो कहीं से भी आप सफल नहीं हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा किसी भी तरह से हिंसा नहीं होना चाहिए, शांति से रहिए। आपके ऊपर पुलिस प्रहार भी करेगी तो आपको उग्र रूप नहीं लेना है, वरना प्रशासन को आपको दबाने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर कहते हैं कि 26 जनवरी को कुछ मत कीजिएगा, आप ही के लिए बोल रहे हैं, आपका सारा मेहनत पानी पड़ जाएगा। हिंसा कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, हम सबको कहते हैं, प्रशासन को भी कहते हैं कि लड़कों सबको भी इंसान समझा जाए, उसको लॉज में घुस के नहीं मारा जाए। और लड़कों से भी कहेंगे कि आप लोग प्रोटेस्ट जहां भी रहेंगे आप प्रोटेस्ट को एकदम अहिंसक रूप से करेंगे। और प्रशासन से भी कहते हैं, आरआरबी से भी कहते हैं, ये किसी भी टीचर का प्रोटेस्ट नहीं है। लड़का 2019 से वेट कर रहा था, अब क्या करें, हम लोग तो उसको 2019 से कैसे कैसे रोक के 2022 लाए हैं, ये कोई हम लोगों से पूछे। और हम लोग क्या करें, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो डाल रहे हैं तो डिलीट कर दे रहा है यूट्यूब, ऑटोमेटिक उसको क्या कर दे रहा है, डिटेक्ट करके डिलीट करके हटा दे रहा है, अपलोड ही नहीं होने दे रहा। तो हम लोग के सामने भी कई सारी समस्याएं आ रही है, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि आप कहीं भी हिंसा नहीं करेंगे, 26 जनवरी को शांति से रहेंगे, वरना प्रशासन आपके ऊपर काफी ज्यादा सख्त हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।